अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस लॉकडाउन में अपना ढेरों ख्याल रख रहे होंगे, और ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे होंगे, आपके लिए फ़ायदा मंद होंगे कि किसी ना किसी सोर्स से आप तक जो है वो इस नॉलेज को शेयर किया जा रहा है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। बीइंग अ पाकिस्तानी आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि 1947 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान के क्या हालात थे। जब पाकिस्तान बना तो हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, हमारे फोर फादर्स ने किस तरह के हालात फेस किए, और पाकिस्तान जो कि एक न्यू बॉर्न स्टेट था जिसका इससे पहले कोई तसव्वुर नहीं करता था, कोई तसव्वुर नहीं था, और इस स्टेट को जिना के इस वीजन को, इस आइडियोलॉजी को सिर्फ ये कह दिया जाता था कि ये तो दीवाने का एक ख्वाब है और जब हालात सेट होंगे, आंखें खुलेगी तो ये भूल जाएगा। लेकिन मोहम्मद अली जिना ने अपने इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाया, और सिर्फ ये उन्हीं की मेहनत नहीं थी बल्कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना जानी और माली जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और उसकी कोई परवाह नहीं की कि उनके पास कितनी ज़मीन है, माल असबाब है, सिर्फ उनको जो लगन थी, जो उनकी डिमांड थी, जो उनकी विश थी, वो यही थी कि वो एक ऐसी स्टेट का हिस्सा बन जाएं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन ऐसी स्टेट में, ऐसी इंडिपेंडेंट स्टेट में आंख खोलें कि जहां पर वो आज़ाद हों, जहां पर उनको नमाज़ पढ़ने के लिए, कहीं घूमने के लिए, बकराईद पर कुर्बानी के लिए किसी इजाज़त की, किसी खौफ की, किसी धमकी की कोई परवाह ना हो, उनके ऊपर ऐसा कोई डर या खौफ ना हो, वो आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है 1947 से स्टार्ट हुई और 71 तक इसका एक पार्ट है, फिर 72 से ऑनवर्ड्स यानी टुडे इसका सेकेंड पार्ट है। आज हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो कि 1947 से 71 तक है। अब इसको भी यहाँ पर आगे इन्होंने थ्री फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, 47 से 58, फिर 58 से 69, फिर 69 से 71। अब ये जो फर्स्ट टेन्योर है, फर्स्ट फेज है 1947 से 58, ये पाकिस्तान का एक इमर्जिंग टाइम था कि जिसमें पाकिस्तान को सेटल डाउन होने के लिए जो सारी स्ट्रगल थी वो सारी इन 11 इयर्स में हुई। फिर 1958 में हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ इन्फोर्स हो गया, और ये 69 तक ये मार्शल लॉ कंटिन्यूड रहा, इसमें इंडिया और पाकिस्तान की 65 की वॉर भी हुई। फिर 69 में जब जनरल अयूब खान ने रिज़ाइन किया तो फिर जनरल याहिया खान ने इस मार्शल लॉ को कंटिन्यू किया, और उनका बेसिक पर्पज़ ये था कि वो यहाँ पर जनरल इलेक्शंस करवाएंगे और फिर गवर्नमेंट जो है वो एक सिविलियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर करके सारी पावर्स जो हैं वो चले जाएंगे। फिर 71 में जो हुआ वो भी हमारे सामने है कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई, इस पाकिस्तान हमसे सेपरेट हो गया, जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। तो ये सारे का सारा जो है ये तारीख है, और तारीख जो है उसी से इंसान सीखता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि तारीख से इंसान ने यही सीखा है कि तारीख से इंसान ने कुछ नहीं सीखा। सो लेट्स रीड अबाउट द फर्स्ट 11 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान विच स्टार्टेड फ्रॉम 1947 टू 1958। पाकिस्तान वन इंडिपेंडेंस अंडर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कंडीशन। द नेक्स्ट टास्क वाज टू सेटिंग अप of a new state. There was no administrative structure. Riots, refugees problem and economic pressure were challenging for a new state. Negative attitude from Indian government and war on Kashmir created problems in the relation with India. Ab Pakistan ek newly born state hai, yahan par state jaisa koi bhi structure nahi hai. Phir refugees ka masla hai ki jo migrate karke log aa rahe hain, migrant hokar aa rahe hain, उनको किस तरह से सेटल डाउन किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक सेटअप नहीं है। फिर इकोनॉमिकली भी प्रेशराइज है, पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा था
कि वो यानी मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा थे और वसाइल उस लिहाज से बहुत कम थे। फिर इंडिया के साथ कश्मीर इशू पर 1948 में वॉर स्टार्ट हो गई, इसके साथ भी हमारे रिलेशन जो थे वो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज अडॉप्टेड एज द फर्स्ट इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। अब चूंकि स्टेट को चलाने के लिए आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, लॉज होने चाहिए कि जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने इंस्टीट्यूशंस को सेटल डाउन करें और प्रॉपर इस सिस्टम को चला सकें, तो उसके लिए क्या किया गया कि 1935 का जो एक्ट ऑफ इंडिया था उसको एज एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में इन्फोर्स कर दिया गया। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं अबूरी आइन को, यानी टेम्परेरीली कि जब तक आपका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं होता तब तक इसी में कुछ अमेंडमेंट्स करके, कुछ चेंजिंग्स करके उसको यहाँ पर इन्फोर्स कर दिया गया। अब चूंकि इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंगली जो हाईएस्ट और सुप्रीम पोस्ट थी दैट वाज गवर्नर जनरल विच वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्वीन, और 1947 में जब पाकिस्तान बना तो द लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं उन्होंने ऑफ़र की कि उनको इंडिया और पाकिस्तान का एक जॉइंट गवर्नर जनरल बना दिया जाए, बट मोहम्मद अली जिन्ना क्लियरली रिफ्यूज़ कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और मैं ख़ुद पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनूंगा। और ये बहुत एक इंसल्टिंग कंडीशन थी, एक सिचुएशन ऐसी थी लॉर्ड माउंटबेटन के लिए कि उन्होंने फिर ये कहा कि मैं आइंदा आने वाले 6 माह में पाकिस्तान के लिए ऐसे हालात क्रिएट कर दूंगा कि वो ख़ुद घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा और हमसे एक जॉइंट इंडिया की रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा मौका जो है वो नहीं आया। खैर, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड लियाकत अली खान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में 4 गवर्नर जनरल आए हैं, फर्स्ट मोहम्मद अली जिन्ना September 1947 टू September 1948, क्योंकि 11 September 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो गई थी। देन ख्वाजा नाजिमुद्दीन बिकेम द सेकेंड गवर्नर जनरल September 1948 टू October 1951। देन मलिक गुलाम मोहम्मद October 1951 टू October 1955। देन इस्कंदर मिर्ज़ा October 1955 टू March 1956। अब इन 9 ईयर्स में 1947 to 1956 4 गवर्नर जनरल हमारे पास आए और 1955 में पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो था वो तकरीबन काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका था। इससे पहले भी जो बेसिक कमेटी थी वो अपने रिपोर्ट्स पब्लिश करती थी, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो यही थी कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया जाए। इन बिटवीन 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी लियाकत अली खान ने और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इट वाज लाइक अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह का होगा। सो 1956 में 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में इन्फोर्स किया गया, तो इसमें जो गवर्नर जनरल का जो डेजिग्नेशन था उसको रिप्लेस कर दिया गया प्रेसिडेंट के डेजिग्नेशन से, एंड इस्कंदर मिर्ज़ा बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। रिमेंबर दैट ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मार्च 56 से अक्टूबर 58 तक इस्कंदर मिर्ज़ा जो हैं वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे। देन जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया और 58 में ही बिकेम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसी दौरान पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो कुछ इस तरह से थे कि लियाकत अली खान August 1947 to October 1951, क्योंकि अक्टूबर में लियाकत अली खान का असैसिनेशन हुआ था, लियाकत बाग में उनको फायर करके उनका कत्ल कर दिया गया था। देन ख्वाजा नाजिमुद्दीन बिकेम द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर October 1951 to April 1953। देन मोहम्मद अली बोगरा के 2 टेन्योर हैं, फिर चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर एंड फिरोज़ खान नून। तो ये 1958 तक कोई 7 प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हिस्सा बने हैं। 56 का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया एंड प्राइम मिनिस्टर वाज मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट। अब पाकिस्तान के जो मेजर इश्यूज थे उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ठीक है। फिर प्रोविंशियल लेवल पर इलेक्शंस करवाए गए पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान में 1951 में, सिंध में 1953, ईस्ट बंगाल में 1954।
याद रहे कि बलूचिस्तान जो है वो उस वक़्त एक सूबे की यानी वो एक फॉर्म में नहीं था, बल्कि वहाँ पर एक वाली सिस्टम जो था वो चल रहा था, इसलिए वहाँ पर प्रोविंशियल असेंबली इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, ना ही वहाँ पर प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस करवाए गए थे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिसॉल्व एंड सेकंड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 55। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं जिसमें आइन बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली, ठीक है, आइन साज असेंबली। फिर वन यूनिट स्कीम 1955 में दी गई, उसका बेसिक पर्पज़ ये था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेसिक कमेटी जो है वो जब अपने रिपोर्ट्स पब्लिश करती थी तो उसमें रिप्रेजेंटेशन जो है इसका बड़ा इशू आ रहा था कि वेस्ट पाकिस्तान जो था इसको चार प्रोविंसेस में, यानी यहाँ पर चार सूबे थे, डिवाइड किया गया था इसको, जबकि ईस्ट पाकिस्तान को एज होल एक प्रोविंस कंसीडर किया जा रहा था। अब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के हर सूबे से कंपैरेटिवली यानी टेरिटरी के लिहाज से भी और पॉपुलेशन के लिहाज से भी, यानी दोनों लिहाज से वो एक बड़ा सूबा था, इसलिए दे डिमांड मोर रिप्रेजेंटेशन एज़ कम्पेयर टू वेस्ट पाकिस्तान। तो फिर 1955 में चौधरी मोहम्मद अली बोगरा ने ये बोगरा फार्मूला दिया था, वन यूनिट स्कीम जिसको कहते हैं, कि वेस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट कंसीडर किया जाए और ईस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट कंसीडर किया जाए और दोनों में जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल रखी जाए, कि 150 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान से और 150 सीट्स वेस्ट पाकिस्तान से। फिर इकोनॉमिक मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन वाज अ क्वेश्चन डेल्ट इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाज देयर, वीक एंड शॉर्ट लिव गवर्नमेंट वाज शैटर्ड द होल पॉलिटिकल सिस्टम। वज़राए आज़म आ रहे थे जा रहे थे, इसकी वजह से जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। फिर डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएटेड बैड नेम फॉर पॉलिटिशियंस। इंस्टेबिलिटी वाज आल्सो देयर एट प्रोविंशियल लेवल। सूबाई लेवल पर जो हुकूमतें थी सूबाई सतह पर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। फिर मुस्लिम लीग जो कि पाकिस्तान बनने से पहले तो उसने बड़ा एक्टिवली अपना एक रोल परफॉर्म किया है, बट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वो बिल्कुल इस तरह से हो गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो गई, फिर लियाकत अली खान की डेथ हो गई, तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे उनका यतीम होने वाला हिसाब था, कि कोई ऐसा लीडर नहीं था जो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को लीड करता, इनको यूनाइट करता, और जो पॉलिटिशियंस थे वो एक हेल्दी पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करते। सेकेंड फेज़ फिर इसका 1958 से 69 जो कि पाकिस्तान का फर्स्ट मार्शल लॉ था। मार्शल लॉ रिमेन इम्पोज फ्रॉम अक्टूबर 58 टू जून 62। अब जून 62 तक वो क्यों रहा, कि तब पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था उसको सस्पेंड कर दिया गया। जब भी मार्शल लॉ लगता है, जब भी डिक्टेटरशिप आती है, तो सबसे पहला जो काम किया जाता है वो सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है कि आपका रोल एंड ड्यूटी क्या है, आपके राइट्स क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस की लिमिट क्या हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के पास, किसी पर्सन के पास अगर पावर्स हैं तो वो उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, उन पर चेक एंड बैलेंस क्या होगा, और अगर उनकी वॉयलेशन होती है तो उस पर पनिशमेंट या फाइन क्या होगा। तो चूंकि मार्शल लॉ एक इलीगल वे है, एक इलीगल एक एक्ट है, इसलिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो जनरल अयूब खान ने जब 58 में मार्शल लॉ लगाया तो सबसे पहला जो काम उन्होंने किया वो था कि पाकिस्तान के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन रूल वाज रिस्टोर्ड ऑन जून 62 एंड रिमेन टिल द सेकंड मार्शल लॉ 1969। अयूब खान टुक ओवर एज द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एंड द प्रेसिडेंट। फिर 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि एक प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया, अयूब खान बिकेम द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और इन प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस में उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को शिकस्त दी थी। ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड थ्रू रेफरेंडम इन 1960 एंड री इलेक्टेड इन द जनवरी 1965 थ्रू द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन। और रेफरेंडम बेसिकली करवाया गया था बीडी सिस्टम, यानी बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम में 40,000 बीडीज जो हैं, यानी 40,000 मेंबर वेस्ट पाकिस्तान से, 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से, और उन लोगों से रेफरेंडम के ज़रिए इलेक्शन करवाया गया था। रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम में लाइक अ स्टेटमेंट, आपसे क्वेश्चन किया जाता है जिसका आंसर आपने येस और नो में देना होता है, ठीक है, देर इज़ नो थर्ड वन चॉइस। और उसमें पूछा गया कि क्या आप अयूब खान को एज अ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट करते हैं, येस और नो, एंड यू हैव टू आंसर इट।
और ये जो 80,000 लोग थे इन्होंने अयूब खान को एज अ प्रेजिडेंट सेलेक्ट किया एंड मोहतरमा फातिमा जिना जो थी वो ये इलेक्शन हार गई थी। फिर 5 ईयर्स के बाद दोबारा से प्रेजिडेंशियल इलेक्शन हुए और अयूब खान ने दोबारा ये इलेक्शन विन कर लिया था। अब इम्पॉर्टेंट जो पॉलिसी मेजर्स थे वो क्या थे, अयूब गवर्नमेंट की तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी और जो भी अनवांटेड ऑफिशियल्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा और ये कोई 1662 इन नंबर्स थे कि जिनको रिमूव किया गया था। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उनको 6 ईयर्स के लिए करप्शन चार्ज में उनको कैद कर दिया गया था। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सारा जो है वो प्रेजेंट किया गया था। एजुकेशनल रिफॉर्म्स करवाई गई थी और कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब ये जो 1958 से 1963 तक के ये जो फर्स्ट 5 ईयर्स थे ना, इट वाज लाइक यानी ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान ने इतने ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली थी कि ये कहा जाने लगा था कि पाकिस्तान बिकेम द सेकेंड जापान ऑफ द वर्ल्ड, कि पाकिस्तान दुनिया में दूसरे जापान की तरह तरक्की कर रहा है और इंशाल्लाह ये एक प्रोग्रेसिव वे में एक डेवलप कंट्री की रो में ये शुमार किया जाएगा। फिर 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई और जब ताशकंद पैक्ट साइन किया अयूब खान ने, तो उसके बाद अयूब खान का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उन्होंने, ही वॉज द यंगेस्ट मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ अयूब खान एंड ही यूज़ टू कॉल हिम डैडी, कि उनकी सारी की सारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो थी वो अयूब खान ने की थी। 65 की वॉर के बाद जब ताशकंद पैक्ट साइन किया जनरल अयूब खान ने, तो उसके बाद यानी कहा जाता है कि उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया, एजिटेशन स्टार्ट हो गई, लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया और इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान जो था वो वीक होना शुरू हो गया। इंडो पाकिस्तान वॉर स्टार्टेड एंड एट द एंड ऑफ द वॉर ताशकंद पैक्ट वाज साइन विद इंडिया। पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पैक्ट, दे ऑल्सो रिसेंटेड द इलेक्शन रिजल्ट ऑफ 1965। फ्रूट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एट मैसेज लेवल, वेल्थ ऑफ द नेशन वॉज कॉन्सनट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स। This brought people to agitation and the public demand resulted in the resignation of the president. अब ये जो यानी first 5 year plan में जो दिखाया गया कि बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और graphs पर पाकिस्तान बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इससे जो हासिल होने वाला जो profit था उसकी transformation grass root level तक नहीं हो रही थी, तो इसकी वजह से लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया और at the end 1969 में प्रेसिडेंट साहब को रिज़ाइन करना पड़ा। फिर अब जब रिज़ाइन किया है जनरल अयूब खान ने, तो वो ये जो पावर्स थी ये आगे ट्रांसफ़र कर गए जनरल याहिया खान को, और जनरल याहिया खान का मकसद सिर्फ ये था कि वो यहाँ पर जनरल इलेक्शंस करवाएंगे और इन पावर्स को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक सिविलियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर करके चले जाएंगे। अयूब खान हैंडेड ओवर द पावर्स टू द आर्मी चीफ याहिया खान। ही इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन 62 मार्शल लॉ एंड 62 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड। ही टुक सम इमीडिएट स्टेप्स, एब्रोगेट का मतलब होता है कि उसको ख़त्म कर देना या सस्पेंड कर देना। रिमूवल ऑफ द ऑफिसर्स 303 एक एक्ट है, यानी करप्शन एक्ट में ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। प्रोविंसेस रिवाइव्ड कर दिए गए, अबोलिशन ऑफ पैरिटी यानी इक्वालिटी जो है वो ख़त्म हो गई। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाया गया LFO एज ए इंटरिम लॉ, और फिर दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर फोकस किया गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए इलेक्शंस के लिए। फिर नेशनल असम्बली में जो इलेक्शंस हुए उसमें 313 सीट्स थी, जिसमें से 13 वुमेन के लिए थी। ईस्ट पाकिस्तान में 162+7 और वेस्ट में 138+6 सीट्स थी। जनरल इलेक्शंस जब हुए तो उसमें अवामी लीग ने, फिर जो 1970 के जनरल इलेक्शंस हुए अवामी लीग ने 160 जनरल सीट्स विन की, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके लीडर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे 1967 में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन था। इस जमात ने सिर्फ 81 जनरल सीट्स विन की। ट्रांसफ़र ऑफ पावर बिकेम अ मेजर प्रॉब्लम, फेलियर ऑफ द डायलॉग फॉर ट्रांसफ़र ऑफ पावर अमंग द 3 टॉप लीडर्स लेड द कन्फ्रंटेशन एंड द मिलिट्री एक्शन।
on March 25, 1971. It ultimately resulted in the civil war and alienation of East Pakistan. हम सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से आर्मी एक्शन स्टार्ट हुआ था, किस तरह से जो हमारी लीडरशिप थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनके साथ निगोशिएट नहीं किया गया, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया गया, उन पर फोकस नहीं किया गया, उनको निगलेक्ट किया गया. तो ये सारी वो बेसिक रीजंस थी कि जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान हमसे सेपरेट हो गया. इंडिया played a very negative role. It attacked on the East Pakistan and India-Pakistan war started, which ended with the separation of East Pakistan. तो यहाँ तक 1971 तक, 47 से 71 तक कुछ ये political history थी पाकिस्तान की. I hope कि आपको समझ आया होगा. Next हम इंशाल्लाह next lecture में पढ़ेंगे. Thank you so much. Allah Hafiz.